हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू नीलम मेकओवर। तो आज हम करेंगे रागा प्रोफेशनल एक्सप्रेस फेशियल। तो इसमें 6 स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग, और सेकंड स्टेप है स्क्रब, और थर्ड स्टेप रहेगा टोनर इसमें, और फोर्थ स्टेप है मसाज क्रीम, और फिफ्थ स्टेप है वाइप ऑफ मास्क, और 6th स्टेप रहेगा सनस्क्रीन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी हमें किस तरह कौन से क्रीम में कौन से मसाज के स्टेप्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लींजर। देखो मैंने साइड में पिक भी लगा दिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। सबसे पहले हम क्लींजर करेंगे। 2 से 3 मिनट्स तक आपको क्लींजर करना है जनरल स्ट्रोक की हेल्प से। तो गाइस इधर 2 मिनट्स हो चुके थे, तो मैंने क्लींजर क्लीन कर लिया है स्पंज के हेल्प से। आपके पास जो भी रहेगा, वेट टॉवल या फिर नैपकिन टिश्यू, उससे भी आप क्लीन कर सकते हो। तो अभी हम सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। तो आपको, आप वीडियो में एंड तक देखिए मैं स्क्रब के स्टेप्स किस तरह कर रही हूँ, तो आप भी वैसे ही स्टेप करना। आप घर बैठे भी फेशियल सीख सकते हो गाइस। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो पार्लर का कोर्स, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपके लिए पार्लर का कोर्स स्टार्ट कर दूंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखो हमें स्क्रब जो करना होता है ना, वो फिंगर टिप्स की हेल्प से स्क्रब करना होता है, हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। जैसे कि मेरे क्लाइंट का जो है ना, माउथ एरिया बहुत ब्लैक था, तो मैंने वहाँ पर ही ज़्यादा फोकस किया है और वहाँ पर ही मैंने ज़्यादा उनको मसाज दी है। अच्छे से मसाज देना है आपको स्क्रब में। आपको 10 मिनट्स मसाज देनी होती है स्क्रब में, ताकि हमारे स्किन जो होती है ना वो एक्सफोलाइट हो जाए और जो डल स्किन है वो निकल जाए। इसके लिए हमें 10 मिनट्स तक स्क्रब यूज़ करना होता है, और हल्के हाथों से ही यूज़ करना है हमें स्क्रब। तो आप मेरे वीडियो में देखो मैंने किस तरह उन्हें मसाज दी है, अच्छे से और हल्के हल्के हाथों से दी है। तो गाइस आपको लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट मसाज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वीडियो को फास्ट किया है, अगर मैं वीडियो फास्ट नहीं करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट किया है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैं स्टीम दे रही हूँ। अच्छे से आपको स्टीम देना है, 2 से 3 मिनट्स तक स्टीम देना है, ताकि जो भी ब्लैकेट्स रहेंगे वो अच्छे से निकल जाए, इसलिए हमें स्टीम देनी होती है। तो स्टीम दीजिए अच्छे से। और गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी वेडिंग सीजन है, तो आप ये फेशियल किट ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फेशियल किट कैसा लगा। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये फेशियल किट है, नॉर्मल आपको 120 से 135 तक मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है ये फेशियल किट। आप ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैंने खुद ट्राई किया है ये फेशियल किट और मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर्सनली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। गाइस यहाँ पे मैं ब्लैकेट्स रिमूव कर रही हूँ, और स्क्रब है ना हमको अच्छे से क्लीन करना है, स्क्रब के कोई भी पार्टिकल्स रहने नहीं चाहिए स्किन पे। तो हम 3rd स्टेप लेंगे टोनर।
टोनर को भी हमें अच्छे से मसाज देनी है, हल्के हल्के हाथों से ही मसाज देनी है, जैसे कि टोनर हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए टोनर यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं किस तरह मसाज दे रही हूँ, आप भी उसी तरह मसाज दीजिएगा। तो अभी टोनर भी आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज देनी है। तो अभी हम फोर्थ स्टेप लेंगे, मसाज क्रीम। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, इसमें मैंने पूरे स्टेप्स दिखाए हैं, मसाज क्रीम में रिलैक्सेशन वाले स्टेप्स दिखाए हैं, कैसे हमें पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स मसाज देने हैं वो भी दिखाई है, आइज मसाज भी मैंने दिखाई है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और कैसे हमें पोर्स क्लोज करने वाली मसाज करनी है वो भी मैंने बताई है। तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो में, चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। तो गाइस ये स्किन अपलिफ्ट मसाज है, जैसे कि हमारे स्किन लूज़ हो जाती है तो लूज़ मतलब लटकने लग जाती है, तो इसके लिए हम स्किन अपलिफ्ट मसाज देते हैं। तो ये आइज़ मसाज भी दिखा रही हूँ, देखो अच्छे से देखो और ट्राई कीजिए घर पे आप ये सब मसाज। ये देखो आइज़ मसाज है, ये आईब्रो को ऊपर की तरफ लेके हल्के हल्के हाथों से ही मसाज देनी है, और ये प्रेशर पॉइंट्स है गाइस, और ये ईयर पॉइंट है, देखना इस तरफ से आपको दिखेगा अच्छे से, ये ईयर पॉइंट देने हैं हमको। गाइस ये आइज रिलैक्सेशन वाली मसाज है, बहुत अच्छे से आपको आइज रिलैक्सेशन के लिए भी मसाज देनी है, तो ही हमारे फेस पे ग्लो आएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रीम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है, पूरे अच्छे तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है क्रीम। तो आप वीडियो देखिए, तो हमें थोड़ा सा टैपिंग भी करना होता है, जैसे कि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो टैपिंग की हेल्प से पोर्स क्लोज हो जाते हैं वापस से। ये पोस्ट क्लोज वाली स्टेप है, देखिए गाइस, और इसे हमें हमेशा फेशियल करने के वक्त करना होता है एंड में। गाइस ये आइस बॉल्स मसाज है, इसे हमें 5 टाइम्स करना होता है, जैसे कि क्लाइंट्स को अच्छे से रिलैक्सेशन हो जाए, इसलिए हमें ये लास्ट में करनी होती है। तो अभी हमारा हो गया है मसाज, तो हम पैक यूज़ करेंगे और कॉटन पैड में उस वाटर के साथ अप्लाई करेंगे आइस पे। तो पैक भी हमें 5 to 10 मिनट्स रखना है, तो 5 to 10 मिनट्स हो गए था गाइस, देखिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ चुका है,
अब मैं सिंक सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। आपको फेशियल करने के बाद हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती है। हम ऐसे ही क्लाइंट को बाहर नहीं भेज सकते धूप में, तो हमेशा आप, अगर आपके फेशियल किट में सनस्क्रीन नहीं है तो आपके पास जो भी सनस्क्रीन है आप वो क्लाइंट को लगा दीजिए। तो गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।